अब बच्चों आ जाओ, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, हमने क्या बोला, इवेलुएट दिस 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो हमने क्या किया, एक बार सेकंड रो फर्स्ट रो से इवेलुएट किया। तो फर्स्ट रो से क्या होगा, वही a11 c11 a12 c12 a13 c13 a11 c11 कैसे लिखेंगे, इसको इसको हटा दिया, तो ये जो चार एलिमेंट बचा इसका डिटरमिनेंट ले लिया। अब a12 और a12 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हटा दिया, ये जो चार एलिमेंट बचा है इसका डिटरमिनेंट विथ माइनस साइन। बिकॉज क्यों माइनस साइन, बिकॉज ये जो a12 है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड होगा तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ले लिया हमने। अब a13 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, a13 हमारा क्या, -2, तो -2 का कोफैक्टर कैसे निकाल लेंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हटा दिया, तो ये जो चार एलिमेंट बचा, इस चार एलिमेंट का हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों, बिकॉज ये -2 जो एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे है, तो 1+3 क्या होता है, पॉजिटिव, इवन होता है ना, तो सीधे माइनर लिख दिया, ठीक है। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे तो -37 आ जाएगा। इसी तरह से अगर तुमने थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेना, ये भी -37 आ जाएगा। अब मैंने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लॉन्ग दिखाया, तुम सेकेंड रो के लॉन्ग कर लो, तुम थर्ड रो के लॉन्ग कर लो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, रिजल्ट तुम्हें सेम ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक नोट क्या लिखा है, इफ ए रो और अ कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंटेंस ऑल जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अब ये बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट का, अगर हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी जीरो होगा। क्यों होगा, मान लो कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट जीरो हो गया, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट रो के लॉन्ग उसे एक्सपेंड कर दिया, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये 0 0 0 हो जाए, ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, तो यहाँ क्या हो जाता, 0 0 0 आ जाता, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 0+0+0 0 हो गया, ठीक है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का अगर हर एक रो या हर एक कॉलम, मतलब सॉरी हर एक नहीं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ डी पार्ट में, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x सारस डायग्राम। सारस डायग्राम क्या होता है, इसे याद रखना चाहते हो तो याद रख लो, अगर नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो, इस बट कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि तुम में एक शॉर्टकट है जिससे तुम सिर्फ 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये देखो एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, हमने क्या किया डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या किया कि ये जो पहले दो कॉलम से इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट तो लिखा, फिर पहले दो कॉलम को आगे लिख दिया। अब हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, ये देखो, ये इसको यहाँ पे डायगनली ऐसे मल्टीप्लाई किया, डायगनल के एलिमेंट से स्टार्ट किया, a11 a22 a33, इसको हमने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर a12 a23 a31 a13 a21 a32, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई किया a31 a22 a13, इसको नेगेटिव बोला, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट लोगे ना, ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, और इसके साथ हमने ऐड कर दिया, तो ये भी देखो माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है। तो अगर तुमने क्या करोगे कि अगर ऐसे तुम मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये मैट्रिक्स है देखो, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो हमने क्या किया, ये इसके फर्स्ट दो कॉलम को आगे लिख दिया, उसके बाद हमने देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 2 -3 2 2 -3 3 3 -2 3 3 -2 -2 1 1 -2 1 1, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। फिर कैसे किया हमने, -2 2 -2 मल्टीप्लाई किया, आगे माइनस साइन दिया, फिर क्या है 1 3 2, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर -3 1 3, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें सीधे डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और मोर, चार या चार से ज़्यादा डिटर्म, अगर 4 या 4 से ज़्यादा ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम लाइन पे, कुछ भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने 3x3 का निकाला है ना, एग्जैक्टली 4x4 का निकालेंगे। हमने मान लो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, 1 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 का कोफैक्टर लिखा है, फिर 2, फिर ये दोनों क्या लिखा है, 2 का कोफैक्टर लिखा है, 2 को के कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे, -1 पे पावर 1 प्लस 2, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 पे पावर 1 प्लस 2, 1 कहाँ से आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब हमने सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को हटा दिया तो ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया, उसको यहाँ लिख दिया। अब 4x4 में क्या होगा, 3x3 ऑर्डर को जब हम एक्सपेंड करते थे ना तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता था, ठीक है, जो कोफैक्टर होता था ना वो कोफैक्टर क्या होता था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब 4x4 में क्या होगा, जो कोफैक्टर होगा वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो 3x3 ऑर्डर का तो आप जानते हो कैसे इवैल्यूएट करना है। फिर आ जाओ -1 -1 लिखा, ये दोनों मिलके क्या है, -1 का कोफैक्टर है, फिर हमने 3 लिखा, ये दोनों मिलके क्या है, 3 का कोफैक्टर है, इसे तुम कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा -39, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4x4 ऑर्डर, मैंने एक बस दिखा दिया करके। अब तुम, मैंने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तुम सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके देख लो, या तुम थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देख लो, -39 ही आएगा, ठीक है, तो 4x4 ऑर्डर का, जनरली 4x4 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट होते हैं ना वो पूछे नहीं जाते, 3x3 ऑर्डर से ही हमें वास्ता पड़ेगा बोर्ड में, जेई मेंस और जेई एडवांस में। तो यहाँ तक बच्चों मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ तक आप ऑलरेडी जानते थे। अब जो आ रहा है हमारा फोर्थ पॉइंट, डेट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पे बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस में, जेई मेंस से पहले बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आएगा मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जेई मेंस एडवांस में नहीं होते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड मतलब कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट ये इसको हमें यूज़ करना है, पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, बहुत आसान है, सुन लोगे याद हो जाएगा। तो देख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है। अच्छा, मैंने ये थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा लिखा है, तो ये नहीं कि इस लैंग्वेज को रटने मत लगना कि प्रॉपर्टी वन दिस दिस दिस, बस प्रॉपर्टी वन समझ जाओ एक लाइन में होता क्या है, ये तो मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा है ना, प्रॉपर्टी टू पूरा लैंग्वेज लिखा है, तो रटना नहीं है, ये नहीं कि इसे तुम रटने लगो, प्रॉपर्टी टू ये होता है, प्रॉपर्टी वन ये होता है, बस याद रखो प्रॉपर्टी कभी नहीं पूछता है, पूछेगा ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें जो डिटर्मिनेंट का PDF मिला था उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट के PDF का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखा था वो क्या था, वैसा क्वेश्चन, ये तो कॉमन सी बात है, तो ऐसा तो आएगा नहीं, तो बस प्रॉपर्टी तुम्हें एक लाइन में याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है AIJBA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो कॉलम इज जीरो। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुमने रो तो उठा लिया सेकेंड, और रो मतलब एलिमेंट तो तुमने सेकेंड रो का लिया, बट को फैक्टर तुमने थर्ड रो का उठा लिया, अब तुमने थर्ड रो के एक एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को तुमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। मैंने मान लो कि रो उठा लिया, सेकेंड रो उठा लिया, ठीक है, बट हमने क्या किया, जो थर्ड रो के कोफैक्टर्स ले लिए, रो के एलिमेंट तो हमने सेकंड रो के लिए, बट कोफैक्टर हमने थर्ड रो के ले लिए, अब हमने क्या किया, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को क्रॉस्पॉन्डिंग थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो रो के लिए बोल दिया तो इक्वली वैलिड हो गया, कॉलम के लिए भी, मान लो हमने एलिमेंट तो फर्स्ट कॉलम के उठाए बट हमने कोफैक्टर थर्ड कॉलम के उठा लिए, अब थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को तुम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मैंने क्या बोला है कि जो प्रॉपर्टी होता है वो रो और रो में होता है, या कॉलम कॉलम में होता है, रो कॉलम में नहीं होता है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि एलिमेंट तो हमने फर्स्ट रो का उठा लिया बट कोफैक्टर हमने सेकंड कॉलम का उठा लिया, अब अगर हमने सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से, सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो क्या होगा, तो
कुछ भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी या तो रो वाइज होगी या तो कॉलम कॉलम वाइज होगी। तो ये बात, वही बात यहाँ लिखी हुई है, इसको तुम एक्सपेंड करके देख लेना। ये ऑलरेडी मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में इसका एक्सपेंशन बता रखा है, इसको तुम एक्सपेंड करके देख लेना। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम जे को वैरी कराओगे ना, जे को वैरी कराओगे वन से लेके एन तक, तो देखो एलिमेंट तो आईथ रो का है, बट कोफैक्टर हमें क्या मिलेगा, कोफैक्टर किसका मिलेगा, जे को वैरी कराओगे तो यहाँ जे वैरी कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ए आई जे, ये आईथ रो का एलिमेंट है, और कोफैक्टर क्या, जेथ कॉलम का कोफैक्टर है, सॉरी कोफैक्टर किसका है, कोफैक्टर किसका है, केथ कॉलम का कोफैक्टर है। तो हमने क्या किया, आईथ रो के एलिमेंट को, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूं, अगर हमने जे का वैल्यू वन वैरी कराया ना, तो ये जो एलिमेंट क्या होगा, आईथ रो का एलिमेंट होगा, और यहां जे को अगर हमने वैरी कराएंगे तो ये क्या होगा, कोफैक्टर किसका होगा, केथ कॉलम का कोफैक्टर होगा। तो हमने क्या किया, एलिमेंट तो उठा लिया आईथ रो का, कोफैक्टर किसका उठा लिया, केथ कॉलम का कोफैक्टर उठा लिया, कि सॉरी केथ रो का कोफैक्टर उठा लिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे जीरो हो जाएगा। अब अगर तुम यहां पे आई को वैरी कराओगे तो ये क्या होगा एलिमेंट, जेथ कॉलम का ये एलिमेंट है, अगर तुम आई को वैरी कराओगे ना वन टू से लेके एन तक, तो ये एलिमेंट किसका लिखा है, ये जेथ कॉलम का एलिमेंट है, और ये क्या है हमारा, आई को वैरी कराओगे तो ये जेथ कॉलम का एलिमेंट है, और ये क्या हमारा, केथ कॉलम का कोफैक्टर है। तो जेथ कॉलम के एलिमेंट को अगर तुम केथ कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो तुम फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कैसे रखोगे, सिंपल एक लाइन में, एक लाइन में क्या याद रखोगे कि हमने अगर रो, तो अगर मान लो हमने रो फर्स्ट रो उठा लिया और कोफैक्टर किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो कॉलम तो उठा लिया, जेथ कॉलम उठा लिया, बट जेथ कॉलम के एलिमेंट ले लिए और केथ कॉलम के कोफैक्टर्स ले लिए और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। बट रो कॉलम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने बोला कि हमने एलिमेंट तो सेकेंड रो का उठा लिया बट कोफैक्टर हमने थर्ड कॉलम का उठा लिया, तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर्टी नहीं है। अब आ जाओ बच्चों प्रॉपर्टी नंबर टू में। प्रॉपर्टी नंबर टू में क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द क्रॉस Corresponding of some other row column, ठीक है। अच्छा, ये लगता है मैंने एक ही प्रॉपर्टी दो बार लिख दी है ना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर वन एंड प्रॉपर्टी नंबर टू एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी हटा दो। यहां पे क्या करो, आप एक प्रॉपर्टी को हटा दो, अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, ये प्रॉपर्टी हटा दो, प्रॉपर्टी नंबर टू हटा दो, सेम प्रॉपर्टी है। अब देखो एग्जांपल हमने क्या लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी हटा दो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने दो बार। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हमने 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। अब यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, ये तो मैंने एलिमेंट किसका उठाया है, फर्स्ट रो का एलिमेंट उठाया है, बट कोफैक्टर किसका उठा लिया है, C12, ये हमने C22, C322, ये कोफैक्टर हमने सेकंड कॉलम को उठा लिया है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, A12, C13, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको तुम A21, ठीक है। ये एलिमेंट हमने किसका उठाया है, ये जो एलिमेंट है ना, हमने फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उठाया है और कोफैक्टर किसका उठा लिया है, सेकंड कॉलम का। देख लो ये जो लिखा है C12, C22, C33, ये हमने सेकंड कॉलम का तो कोफैक्टर उठा लिया है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उठा लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ देखो A12, A12, A22, A32, ये तो हमने एलिमेंट किसका उठाया, सेकंड कॉलम के का एलिमेंट उठाया, कोफैक्टर ये किसका ले लिया हमने, थर्ड
थर्ड कॉलम का कोफैक्टर ले लिया है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे अगेन जीरो। फिर देखो एलिमेंट हमने किसका उठाया, A11, A21 हमने एलिमेंट उठाया फर्स्ट कॉलम का, और कोफैक्टर किसका ले लिया, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर ले लिया, तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। फिर देखो A11, A12, A13 ये एलिमेंट हमने किसका उठाया, फर्स्ट रो का कोफैक्टर किसका उठाया, सेकंड रो का कोफैक्टर उठाया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिर देखो A21, A22, A23 एलिमेंट किसका उठाया, सेकंड रो का कोफैक्टर किसका उठा लिया, थर्ड कॉलम का थर्ड रो का कोफैक्टर उठा लिया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया वैल्यू जीरो आ जाएगा। फिर देखो A11, A12, A13 हमने एलिमेंट किसका उठा लिया, फर्स्ट रो का एलिमेंट उठा लिया, कोफैक्टर किसका उठा लिया, कोफैक्टर थर्ड रो का उठा लिया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक बार मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है। ये एक्चुअली गलती से ना मैंने प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 सेम लिख दिया, इसे करेक्ट कर लेना।